जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब भोलेनाथ की कृपा से बेहतर और खुशहाल होंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज जो है ना, मैं मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन दिखाने वाली हूँ कि मॉर्निंग के टाइम एक्चुअली ये सारे काम जो होते हैं ना, ये देखिए मेरा किचन कितना मैसी पड़ा हुआ है, ये सारे काम मैं रात को करके सोती हूँ। बट कल रात में जो है ना, मेरे सर में दर्द था तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। और यहाँ पे ना बारिश हो रही है तो मैंने सोचा कि चलो आज मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ और एक क्लीनिंग रूटीन भी शेयर कर लेती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये जो हमारा ना गैस है, ये प्रेस्टीज का है, हॉप टॉप है। तो ये मैंने इसको इस तरीके से उसका कैबिनेट बनवा के ना उसके अंदर में उसे सेट कर दिया है। एक्चुअली ये ऊपर में भी रखा हुआ रहता है, जिसको जैसा मर्जी। तो मैंने इसे इस तरीके से अंदर में सेट करवा लिया। तो मैं वीक में तो नहीं कहूँगी, बस 15 दिन में इसे इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अंदर जो आप देख रहे हो ना, उसमें भी डस्ट वगैरह कुछ कुछ जूठे गंदगी वगैरह चले जाते हैं। तो मैं इस तरीके से बीच बीच में इसे साफ़ कर लेती हूँ पूरा उठा करके। ये देख सकते हो, ये पूरा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है बीच बीच में, तो बस मैं वही कर रही हूँ। मैंने इसे इस तरीके से फिक्स करवाया है ताकि मैं इसे उठा करके ना बीच बीच में साफ़ कर सकूं। तो साइड साइड में हमेशा खाना गिर ही जाता है कुछ ना कुछ, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे अक्सर ऐसे कैबिनेट्स में ना कॉकरोच होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है, तो इसीलिए हम इसे हमेशा क्लीन करते रहते हैं। ताकि ये देखिए यहाँ पर जो मैंने इस तरीके से इसका स्पेस दिया है, यहाँ पर जो इसका पाइप गया हुआ है अंदर, और नीचे मैं इसका ये सिलेंडर वगैरह रखती हूँ। तो ये क्लीनिंग ना बहुत ज़रूरी होता है किचन के लिए, ताकि कहीं से भी कॉकरोच आने की या रहने की संभावना ना हो। कॉकरोच अगर एक बार ऐसे कैबिनेट्स में हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसे हटाना। तो बस मेरा ये जो है ना किचन, ये गैस का जो सफाई है मैंने थोड़ा सा कर लिया। उसके बाद मेरे रात के जो बर्तन पड़े हुए थे ना, मुझे सोच सोच के नींद नहीं आई। कल जब मैं चली गई थी, शाम को वापस जब आई अपने ड्यूटी से ना, उसके बाद मैं कुछ भी कर नहीं सकी क्योंकि बहुत सर में दर्द हो रहा था। और मैं जब भी अपने बर्तनों को क्लीन करती हूँ ना, उससे पहले मैं अपना सिंक एरिया को इस तरीके से अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ हमेशा। ये मेरा रूटीन है कि मैं जब भी अपने बर्तन धोती हूँ, पहले सारे बर्तन को ऊपर उठा के फिर मैं किचन इस तरीके से सिंक को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद में एक एक करके सारे बर्तनों को धोती हूँ। और मैंने जिस चीज़ से क्लीन किया ना, मैं उससे अपने गैस को भी क्लीन करती हूँ और अपने सिंक को भी। वो जो लिक्विड मैंने बनाया, वो खुद से घर पे बनाया है मैंने, उसका जो है मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने वो कैसे बनाया। वो बहुत अच्छा होता है आप अपने गैस चूल्हे को साफ़ करने के लिए या फिर सिंक को साफ़ करने के लिए, वो बहुत परफेक्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्लीन करने के बाद जब आप बर्तन को धोते हो ना, तो फिर एक अलग सा फ्रेशनेस आता है और आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा, नहीं तो पूरा गंदा गंदा मैसी सा लगता है। तो ये आप अगर अपने रूटीन में बना लो ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्लीन करने में सारे काम को। नहीं तो ऐसे होता है ना, सिंक को अगर आप छोड़ दो ना, तो फिर वो 10 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ऐसे ही गंदे हो जाते पूरे इतने ज़्यादा कि आपको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को इस तरीके से क्लीन कर लिया है। और ये जो मैं अपना दिखा रही हूँ, ये मेरा नाइट का ड्यूटी रहता है। मैं नाइट में हर रोज़ को इसी तरह क्लीन करके सोती हूँ, बट ये आज मॉर्निंग को हो रहा है। तो अगर आप रात में इस तरीके से अपने किचन को क्लीन करके सोओगे ना, तो सुबह एक अलग सी ताजगी महसूस होगी आपको काम करने में। यहाँ देखिए इतना मौसम बिल्कुल ही अंधेरा कर दिया है। ये मैंने फ्लैश लाइट, एक सेकेंड, ये देखिए ये बिल्कुल अंधेरा करके रखा है। मैं कैसे जाऊँगी पता नहीं है, मौसम बिल्कुल ठंडा सा कर दिया। देखिए
अब बिना रेनकोट के मुझे जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। रेनकोट जो है ना है मेरे पास, बट वो अभी थोड़ा सा बहुत दिन से रखा हुआ था ना तो पुराना हो गया है, फट गया थोड़ा। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे जो है ना मैंने अपना खाना वगैरह कंप्लीट कर लिया है किट्टू के लिए। मैंने ये देखिए राजमा की सब्जी बनाई हुई है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरी राजमा, क्योंकि किट्टू को राजमा बहुत पसंद है तो मैंने उसके लिए आलू और राजमा की सब्जी बनाई है, क्योंकि बिना आलू के वो खाता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चावल बनाए हुए हैं और फिर यहाँ पे है रोटियाँ। तो ये सारी चीज़ें मैं बना के कंप्लीट करके किट्टू के लिए अब सारे के सारे डाइनिंग टेबल पे लगा करके और फिर मैं जाऊँगी स्कूल। देखते हैं मौसम कैसा होता है, ठीक करे तो बहुत तेज़ हवा चल रही है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये मेरे मैंगो जो है देखिए सड़ने लगे हैं। ये मेरे दीदी के घर से आया था, मेरा मतलब है मेरी ननद के घर से। उनके घर में बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं आम के, बहुत सारे आए थे तो ये बस इतने से बचे हुए हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से नीचे में रख दिया, ये सारे जो है ना कुछ कुछ सड़ गए हैं। मैं इन्हें अलग करके रख रही हूँ, क्योंकि अगर आप अलग नहीं करोगे तो वो कहावत है ना, एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी को सड़ा देता है। तो बस वही है। इसके बाद जो है ना मेरा अभी जो बारिश हो रही है ना, तो कितने दिनों से लगातार पूरे घर की हालत जो है ऐसी होके रखी हुई है। ये देखिए कपड़ों का जो है ना भंडार लगा हुआ है, जहाँ जहाँ मुझे जगह मिलता है एक पे दो तीन ऐसे करके मैं डाल देती हूँ। अब मेरा पूरा घर देखोगे ना, ये देखिए ये चेयर, वो रूम वाला चेयर, फिर इधर मैंने सोफ़ा पे भी लगा दिया था पूरा। उसके बाद ये वाला रूम जो देखेंगे ना आप, ये तो बिल्कुल ही, और भी चादर भी थी वो सब मैंने रात को उठा लिया था। ये देखिए ये सारे कपड़े जो है ना धुले हुए हैं, पूरा का पूरा धोबी घाट बना हुआ है। ये सारे मैं इस तरीके से वॉशिंग मशीन से निकाल के डाल देती हूँ। ये दरवाज़ा वरवाज़ा जहाँ भी मुझे जगह मिलता है सारे के सारे रूम में। और मैं फ़ैन चला के नहीं छोड़ती, क्योंकि जब इम्पोर्टेंट जहाँ पे होता है ना, ये देखिए इस रूम का भी वही हालत है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें, मैं किट्टू अभी तक सोया हुआ है। उठ जा किट्टू, गुड मॉर्निंग किट्टू, गुड मॉर्निंग किट्टू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किट्टू का आँख नहीं खुल रहा है। और ये देखिए सारे घर की हालत जो है वो बिल्कुल धोबी घाट के समान हो चुका है। अब मुझे जाना है अपनी ड्यूटी पे, पता नहीं कैसे जाएंगे। इस रूम का भी हालत बिगड़ा हुआ सही है, लाइट भी नहीं चलता है। ये देखिए सारे रूम की वही हालत हो के रखी है। ये वाली जो चादर है ना कितना खूबसूरत लगता है, इसका जो है ना लगभग मुझे लगता है 7 से नहीं 8 साल हो चुका है ये वाले बेडशीट की। ये जब किट्टू बहुत छोटा था ना तब हम उसके लिए लाए थे, उसको ये बहुत पसंद था। ये अभी तक इसको बिछाते बहुत ही सॉफ्ट, ये कॉटन प्योर कॉटन नहीं है बट ये बहुत सॉफ्ट है। इस तरीके के हम दो लेके आए थे, एक ये था और एक मिक्की माउस का रेड कलर का था। ये दोनों बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। यहाँ देखिए लगता है मैं आज ड्यूटी नहीं जा पाऊँगी, बारिश स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए अभी धूप था, हाँ धूप था बेटा, बारिश होने लगा। और मेरे ये वाले येल्लो वाले जो है ना इसमें भी काफ़ी बर्ड्स आ चुके हैं दिखने। यस कल पता है तुमको ये इतना टूट टूट के गिर रहा है, ये देखो गिरा कल भी एक गिर गया था। यहाँ पे देखो ये पता नहीं क्यों गिर रहा है, कीड़ा लगा है। कीड़ा नहीं लगा, बहुत सारा था बट गिर रहा है। और ये देखिए एक कड़ी पत्ता जो है ना, मेरे कड़ी पत्ता में जो बीज है ना तो सेम लगाए थे, देख रही ना, छोड़ दो। ये कड़ी पत्ता निकल गया है मेरा छोटा सा, और भी देखो इसमें भी। अरे वाह, नहीं ये तो उसका टूटा हुआ है। बहुत सारे कड़ी पत्ते के बीज है यहाँ पे, जितना लगाएंगे सब जगह। ये देखिए किट्टू अभी सो के उठा है मेरा,
ये छोड़ दे, देखो कितना सुंदर निकला कड़ी पत्ता। ये घास को उखाड़ के फेंको, कि पता नहीं क्यों येलो वाले मेरा जो गुड़हल है सब टूट रहा है। ये वाला घास किट्टू निकाल रहा है, किट्टू निकालेगा सारा घास चुन चुन के। देखो कहाँ कहाँ घास है। ये देखिए किट्टू अभी सो के उठा हुआ है। अरे हम बालों में ऑयलिंग किए हुए हैं, मेरे बाल चिपकू चिपकू से हो गए। चेहरा कैसे लग रहा है, मॉर्निंग का टाइम का है, चेहरा मेरा बिल्कुल ही गंदा सा लग रहा है। चलो ब्रश कर लो, उनको स्कूल जाना है। देखो कैसा मौसम कर दिया, जा सकेंगे तब तो। ये इतना बड़ा बच्चा हो गया है, किसी काम का नहीं है, और ये हमको वीडियो भी बनाने नहीं दे रहा है। ये देखिए कैसे पीछे पीछे चिपका हुआ। चलो खाना बना दिया, पहले दूध पी लो, उसके बाद रोटी और सब्जी है। वाह बाहर का मौसम देखो कितना सुंदर कर दिया है। रुक रुक रुक, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये देखो कितना तेज हवा चल रहा है ना। वाह बारिश भी होने लगा, देखो ये बारिश भी हो रहा है। अब हमको नहीं लगता कि हम जा पाएंगे। तो ये तो बारिश स्टार्ट हो गई है, मेरा जाना पता नहीं क्या होगा। तो मैं गई कि नहीं गई अपनी ड्यूटी पे, ये मैं आपको संडे वाले ब्लॉग में बताऊंगी। ये आज का ब्लॉग है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर के। तब तक के लिए हर हर महादेव।